गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतुवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो कर्म कर्म से सब तुझको करीम कहते हैं, रहीम रहमान से सब तुझको रहीम कहते हैं। कर्म करवे मेरे भगवान बदरिया गम की छाई है, बना दे ओ मेरी भगवान क्योंकि तूने लाखों की बनाई है। आ जाइए हमारी श्रोता बंधुओं, छोटा से प्रसंग लेकर के चल रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा से। तो गौर करें, हस्तिनापुर के राजा सर्वप्रथम प्रतीक हुए थे, बड़े ही महान राजा हैं। उनके घर में एक रानी है, सारी प्रजा खुशहाल है, लेकिन कमी किस बात की है? सिर्फ पुत्र की। बताया है प्रतीक नाम के राजा थे, ना घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी और रानी भी हैरान भई। कोई संतान भई और आंगन की छवि अधूरी थी और रानी भी हैरान भई। भगवान की लीला को भी देखिए, इतने महान राजा हैं लेकिन क्या लीला है नारायण की, सब सुख न किसी को देता है, कहीं दुखी बाप से बेटा है, कहीं दुखी बाप से बेटा है। मेरे श्रोता बंधुओं, प्रतीक नाम के राजा हैं, उन पर घर संपत्ति सब कुछ है, प्रजा खुशहाल है, लेकिन कमी पुत्र की है। एक बार महाराज प्रतीक ने सोचा कि क्यों ना हम तपस्या करें और अपनी रानी को साथ में लेकर के घने जंगल की तरफ गए हैं और एक वृक्ष के नीचे दोनों राजा और रानी ने तपस्या की है। घनघोर किसकी की है और कीनो गंगा जी को ध्यान, और दोनों ने रटन लगाई। गंगा जी को ध्यान, दोनों ने रटन लगाई। और बरसे सी बीत गई वन में, और
सिर्फ गंगा जी के भजन में सिर्फ गंगा जी के भजन में नाही भई कोई संतान है दोनों ने रटन लगाई प्रतीक महाराज गंगा जी की तपस्या में इतने लीन हैं, इतनी कठोर तपस्या की दीनी तन की खबर भी सारी बोले क्या हमने पाप करे क्या भारी अरे न भई संतान है दोनों ने रटन लगाई मेरे श्रोता बंधुओ प्रतीक और उनकी रानी ने इतनी तपस्या की है इतनी तपस्या की है कि अंत में गंगा माँ प्रकट होती हैं और प्रतीक को जवाब देती हैं कि हे पुत्र आप हमसे क्या मांगना चाहते हो मांग लो आपने बहुत कठोर तपस्या की है हमारे लिए। तो प्रतीक महाराज कहने लगे हैं कि हे गंगा माँ मैं सिर्फ आपसे एक पुत्र चाहता हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे वरदान दीजिए कि हमारे घर में एक संतान हो जाए। तो गंगा माँ बोली हैं ठीक है हमारे द्वारा एक पुत्र पैदा होगा, इतना बलशाली होगा कोई दुनिया में कोई हरा नहीं सकेगा। इधर तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित काफी समय व्यतीत होने के बाद में महाराज प्रतीक जो थे अपने महल में वापिस चले आए हैं और समय व्यतीत होने लगा समीर व्यतीत होने लगा है तो वृद्धापन की अवस्था में एक पुत्र पैदा हुआ है बताया है वृद्धापन में अंत में भयो एकयो तारी तुम्हें भायो ये कयो तारी और संतन रख दो नाम रे संतन रख दो नाम रे मांगन नर नारी महाराज खुशी है राजा को अति महान ओए बजी बजाई द्वारे पहलू गवायो है अति दान ए जी गंगा जी की मेहर लला जब सियानो होए आयो ए जी गंगा जी की मेहर लला जब सियानो होए आयो मेरे श्रोता बंधु हो आज प्रतीक के घर में वृद्धापन की अवस्था में प्रतीक के घर में एक पुत्र पैदा हुआ है उसका नाम करण संस्कार करवाया गया है तो उसका नाम शांतनु रखा गया है और प्रजा में बहुत ही खुशहाली है कि हमारे राज्य में एक युवराज पैदा हुआ है जो इस राजा के बाद में राजा बनेगा।